राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप प्लान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज मतदाता जागरूकता कलश यात्रा रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय मानस भवन से प्रारंभ हुई इस रैली को जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर सिर पर कलश रखकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारों के साथ यह रैली घंटाघर पहुंची, जहां पर इस रैली का समापन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कलश यात्रा रैली के संबंध में जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हमें विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 निकट आता जा रहा है और हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन सभी अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलें और वोट करें, मतदान करें। ये उद्देश्य निर्वाचन आयोग का भी है और ये उद्देश्य जिला प्रशासन का भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत का नक्शा बनाया गया था और उसका ड्रोन फोटोग्राफी वगैरह की गई थी और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने आज ये कलश यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, यहाँ की आदरणीय महिलाएं हैं सब, और वो सभी से अपील कर रही हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में वोट डालें। तो भारत बेसिकली संस्कृति, परंपरा, कलाओं का एक समुच्चय है और यहाँ इन माध्यमों से, इन सांस्कृतिक और कलात्मक माध्यमों से यदि हम कोई हम संवाद करते हैं लोगों से तो ये सीधे मैसेज लोगों तक पहुँचता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीम भी साथ में चल रही है जो कि बुंदेली भाषा में गीत गा रही है निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने का। तो इसी दिशा में हमने प्रयास किया है, जिसमें एक बड़ी भूमिका हमारे सीओ जिला पंचायत की, क्योंकि इन्होंने ये स्वीप प्लान के प्रभारी हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये इन्होंने पूरा सब कुछ किया है। इनको मैं बधाई देता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए शुभकामनाएं।
जैसा कि आप सबको विदित है कि 26 अप्रैल को दमोह में लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतदान है, तो इसी के तालमेल में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि वो अपने मत का महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर अपने मतदान का प्रयोग करें, हम लोगों ने एक कलश यात्रा निकाली है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये महिलाएं ये संदेश दे रही हैं दमोह वासियों को कि आप लोग 26 अप्रैल को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।